सो गाइज मैं लिख के देता हूँ 110% कि आप यूट्यूबर कभी नहीं बन पाओगे, कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाओगे, ना ही आप, ना ही मैं, और ना ही कोई अभी जो भी यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग कर रहा है वो कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाएगा। 5,000 भी वीडियोस क्यों नहीं आप लोग और मैं भी अपलोड कर दूं अभी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन यूट्यूबर नहीं बन पाऊंगा। क्या रीज़न है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरी इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सो गाइज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं ये जो बंदा बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि यार एकदम 110% रियल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल को स्टार्टिंग किए हो तो किसके कहने पर स्टार्टिंग किए हो, ये तो ऐसे तो आपके मन में नहीं आया होगा कि चलो भाई आज ही YouTube चैनल को स्टार्टिंग करते हैं एंड YouTube पर वीडियो अपलोड करके यूट्यूबर बन जाते हैं, तो ऐसे तो आपके मन में नहीं आया होगा। आपने किसी और यूट्यूबर, आपके कैटेगरी के जो बड़े यूट्यूबर हैं उनसे मोटिवेट होकर आपने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग किया होगा। सपोज दैट जैसे मनोज दे हो गया, टैग चैंपियन सपोर्ट, उनकी अर्निंग देखकर उनका जो घर बना रहे हैं, वो गाड़ी जो ले रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के पैसों से वो दिखा रहे हैं यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कि मैंने इतने रुपये कमाए हैं यूट्यूब से, तो उन सबसे मोटिवेट होकर आप अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग कर रहे हो भाई साहब तो आप क्या कर रहे हो, वही जो वो करते हैं, जो बिगनर क्रिएटर करते हैं कि जैसे कि YouTube पर ऐसे वीडियो अपलोड करो, वैसे वीडियो अपलोड करो, मतलब उस टाइप की वीडियो, टैग कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करते हैं। अब उनको देखकर भाई साहब आपने भी अपने YouTube चैनल को स्टार्टिंग कर लिया एंड उसी से रिलेटेड जो वो बताते हैं बस उसी को हूबहू कॉपी करने लगे, एकदम सेम टू सेम आप उन्हीं के जैसे वीडियो क्रिएट करने लगे, बताने लगे कि सब्सक्राइबर्स हाइड करने के फायदे क्या हैं, सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड किया जाता है, ये सब नॉर्मल वीडियोस आपने क्रिएट करने लगे। तो एक चीज बताओ भाई साहब, आपके अंदर में जो टैलेंट है आप उसको नहीं पेश करके दूसरे के टैलेंट को आप ला के पेश कर रहे हो, तो बताओ भाई साहब इसमें ग्रो हो पाओगे, कभी नहीं ग्रो पाओगे, कभी से कभी नहीं ग्रोथ हो पाओगे। अगर मान लो टैग कैटेगरी में बेसिकली अगर आप यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग कर दिया, सपोज दैट जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप मोटिवेट होकर अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग तो कर दिया, तो स्टार्टिंग करने के बाद कोई भी चीज़ सीखने में और एक्सपीरियंस में कम से कम 5 से 6 महीना लगता है भाई साहब। आपने 5 से 6 महीना दिया, उसमें नहीं दिया डायरेक्ट क्या देखा मनोज, देखो कि वो यूट्यूब से इतना पैसा अर्न कर रहा है, कमा रहा है, गाड़ी खरीद ली, जमीन खरीद ली, अब क्या करूंगा, मैं भी अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग करता हूं एंड ऐसे वीडियो बनाता हूं एंड मेरा भी यूट्यूब चैनल धड़ाम से ग्रो हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई साहब। आप दूसरे को देखकर, दूसरे से मोटिवेशन लेकर अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर में देखो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस कैटेगरी में वर्क करना पाओगे, कर पाओगे, किस कैटेगरी में आपका चॉइस है, उस कैटेगरी से रिलेटेड उस कैटेगरी के रिकॉर्डिंग आप वीडियो क्रिएट करो। जैसे अगर डांसिंग में आपका चॉइस है, डांसिंग में आपकी हॉबी है, तो आप डांसिंग से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करो। अगर मान लो सपोज दैट स्टडीज़ में, एजुकेशन में आपका अगर इंटरेस्टेड है, या फिर बोलोगे कि ब्लॉगिंग में आपका इंटरेस्टेड है, तो आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब आपके जनरलिस्ट बात होगी, ठीक है। आपके अंदर में कौन सा टैलेंट है वो आपको ही निखारना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा कि अरे भाई साहब ये तेरे अंदर में टैलेंट है, ठीक है। तो गाइज यही है जानकारी, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप दूसरे को देख कर मत आओ, आओ लेकिन बस तजुर्बा एक्सपीरियंस कर लो पहले खुद, नहीं तो भाई साहब आप ऐसे ही, आपको ठीक से बोलना नहीं आता, आपको ठीक से चलना नहीं आता एंड YouTube वीडियो क्रिएट कर रहे हो, आप ही खुद बता रहे हो, तो ऐसे में नहीं होने वाला, ठीक है। सो गाइज यही है जानकारी, अगर आप छोटे से क्रिएटर हो तो आपको आपके अंदर के टैलेंट को पहचानना है, और अगर जब तक आप अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाओगे YouTube पर सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ ये छोटी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, क्योंकि गाइज इस चैनल पर आपको जेन्युइन रियल कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।